जयपुर के सिटी पैलेस के बगल में स्थित वेंकटेश्वर मंदिर की संपत्ति को लेकर विवाद हो गया, जहां मामले में मंदिर के पुजारी महंत वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि देर रात कई लोगों ने मंदिर आकर कब्जा करने की कोशिश की। ये जगह मंदिर की है और जबरन इस जमीन पर कब्जा लेने का प्रयास किया गया। मामले को लेकर पुजारी की ओर से अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। ना तो मीडिया को परेशान कर रहे हैं, जो घटना घटित हुई उस घटना को बताना आवश्यक था, उसके लिए थाने अपनी सेफ्टी के लिए जाना आवश्यक था। इन्होंने पहले ही अंदर से बंद कर रखा था, हमें रस्सी से बंद कर दिया, बाहर नहीं थे। तो क्योंकि मुकदमेबाजी टेस्ट में और हमारे बीच मुकदमेबाजी चल रही थी, इसलिए संभावना थी कि इन लोगों ने ऐसा किया होगा। एक्चुअल में कोई डायरेक्ट तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी उस समय कि इनके टेस्ट के लोग आए या कोई आए, लेकिन डिस्प्यूट हमारे बीच चल रहा था। ये जो जमीन है, ये पृथ्वीराज सिंह जी ने, समाई पृथ्वीराज सिंह जी ने मंदिर और ये आगे की बगीची इनको हमें दे रखी थी, जिस बाबत मुकदमा था। मुकदमा थड़ी को लेके था केवल, लेकिन वो मुकदमा चलता रहा, उस मुकदमे में डिसीजन हुआ, जिसको लेके डिस्प्यूट हुआ, अपील अभी पेंडिंग है। लेकिन आज कंप्रोमाइज हुआ है इसमें, और जो आगे की बगीची की जगह है वो मंदिर यूज करेगा, मंदिर की मानते हैं लोग, और उसके आगे जमीन जो है सवाई मानसिंह ट्रस्ट